वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से जो टोल कलेक्शन का रूल था अभी तक उसमें चेंजेस लाया है, नया अमेंडमेंट आया है जिसके वजह से ये जो टोल कलेक्शन का जो रूल है ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा और इन फ्यूचर जाके हम लोग को देखने मिलेगा ये टोल कलेक्शन में। अभी जैसे हम लोग गाड़ी में फास्टैग यूज़ कर रहे थे उसके बदले GPS बेस्ड एक सर्विस यूज़ किया जाएगा जिसके वजह से आप जितना ट्रैवल करेंगे सिर्फ उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के तरफ से जो इनिशियल रूल था 2008 का रोड ट्रांसपोर्ट का जो टोल कलेक्शन है उसको लेके उसमें अमेंडमेंट लाया गया है और इसको चेंज किया गया है और आगे जाके ये जो चेंज है ये हम लोग को देखने को मिलेगा। रिसेंटली जैसे हम लोग हाईवे में जब ट्रैवल करते हैं तो हम लोग का जो कार होता है उसमें हम लोग फास्टैग यूज़ करते हैं और उसका जो अकाउंट होता है उस अकाउंट से जो पैसे वो ऑटोमेटिकली कट जाता है, मगर आगे जाके ये हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग का क्या होगा एग्जैक्टली, कार में एक सिस्टम लगाया जाएगा जो GPS पे सिस्टम है और उस सिस्टम के वजह से वहीं से डायरेक्ट हम लोग का जो बैंक अकाउंट कनेक्ट होगा उसके साथ उससे जो पैसा है वो कट जाएगा। तो इसमें एग्जैक्टली क्या आपका प्रॉफिट है या फिर आपका लॉस है सब जो इन्फॉर्मेशन है इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है और आगे आपको कैसे ये सब सिस्टम अगर आपके कार में नहीं है कैसे इंस्टॉल करने है क्या करने सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो पॉइंट है ये एक सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम है। तो सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन अगर होगा तो ऑब्वियसली आपके कार में कोई ऐसा डिवाइस ज़रूरत ही होगा जिससे ये आपका जो कार का एग्जैक्ट पोजिशन है वो डिटेक्ट कर पाएगा। अंदर दसेट जितना सारा भी कंपनीज है जो लोग ये सैटेलाइट बेस्ड लोकेशन को शेयर करने में हेल्प करते हैं उनमें से सबसे बड़ा जो है वो है GPS मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो कि एक US बेस्ड कंपनी है। तो इनिशियली हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया में ये जो टोल कलेक्शन सिस्टम होगा ये GPS बेस्ड सिस्टम से ही इसको कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर आज के डेट में अगर हम लोग इंडिया में देखें तो इंडिया का खुद के पास भी ऐसा सिस्टम है, मगर जो करेक्शन है इंडिया के सिस्टम में होपफुली उससे ज़्यादा करेक्शन जो है वो GPS बेस्ड जो सिस्टम है वो ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम होगा इसमें क्या होगा, इसमें एग्जैक्टली GPS टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा और इसके बेसिस में आपका कार को ट्रैक किया जाएगा और देखा जाएगा कि आपका कार कितना दूर तक जो नेशनल हाईवे मतलब जो टोल रोड से उसमें चला है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको चार्ज किया जाएगा। प्रेजेंटली हम लोग का क्या होता है, हम लोग अगर कोई भी टोल क्रॉस कर रहे हैं तो जो टोल हम लोग क्रॉस करें उसके बाद नेक्स्ट जो टोल है अगर आप सेम हाईवे में ट्रैवल करते वहाँ तक का जो चार्जेस है हम लोग को देना पड़ता है। ऑन द अदर साइड हो सकता है कि कभी हम लोग थोड़ा सा जाने के बाद हम लोग जो है वो रोड कंटिन्यू नहीं कर रहे, हम लोग दूसरा कोई मतलब सिटी में घुस जाते हैं या फिर ऐसा कोई रोड में घुस जाते हैं जहाँ टोल का ज़रूरत ही नहीं है, मगर हम लोग का जो पैसा है वो पूरा कट जाता है। ऑन द अदर साइड इसमें हम लोग को कुछ रिफंड भी नहीं मिलता है, हम लोग को ये रिफंड माने का कोई प्रोसेस ही अभी नहीं है। तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने अपने तरफ से ये स्टेप लिया, इन फ्यूचर जब ये प्रोसेस एक्टिव हो जाएगा तब आप जब भी कोई भी टोल रोड में आप ट्रैवल करेंगे तो पहला जो 20 किलोमीटर है ये आपका फ्री रहेगा। इसके पीछे भी एक रीज़न है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। ऑन द अदर साइड उसके बाद से अकॉर्डिंग टू द चार्जेस आपके अकाउंट से जो पैसा होगा वो काटा जाएगा। अब पहला जो 20 किलोमीटर फ्री रहेगा इसके पीछे यही रीज़न है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत टाइम में बहुत कोई है जो लोकल एरिया में ट्रैवल करता है। सोचिए कि आपका घर जहाँ है ऑन द अदर साइड आपका ऑफिस जहाँ है, आपको हर रोज़ ट्रैवल करना पड़ता है घर से ऑफिस, इस बीच में अगर कोई टोल आ जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको टोल को पे करना पड़ता है। प्रेजेंटली हम लोग इंडिया में देखें कि ये जो टोल है इसमें मंथली सिस्टम भी चलता है कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट पे कर देते हो तो आपको आपका जो टोल है वो आपको हर बार नहीं कटेगा, तो ऐसा भी सिस्टम अभी भी चल रहा है इंडिया में, मगर आगे जाके हो सकता है कि ये जो सिस्टम है इसको कम्प्लीटली रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट जो 20 किलोमीटर ये कम्प्लीटली आप लोग के लिए फ्री रहेगा जिसकी वजह से आपको कोई पैसा इसके लिए देना ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो थॉट है ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि इन फ्यूचर जाके पहला 20 किलोमीटर के लिए आपको कोई भी टोल टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब सुनने के बाद आप बोल ही सकते हो कि भैया जैसे अभी फास्टैग जो है एक मैंडेटरी कर दिया है क्या आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि इसको भी मैंडेटरी किया जाए? प्रेजेंटली आने वाले एक दो साल में तो ये नहीं होगा क्योंकि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भी कम्प्लीटली डेवलपमेंट किया जाएगा। प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट है अपने तरफ से सिर्फ एक पर्टिकुलर कुछ हाईवेज़ में ही ये जो सिस्टम है इसको लागू करेगा और आगे जाके हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग जितना भी नेशनल हाईवेज़ है जो भी टोल रोड्स है वहाँ ये जो सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट करेगा। गवर्नमेंट अपने तरफ से ऑलरेडी ये जो प्रोसेस है इसको टेस्टिंग किया है। पहला जो था आपका कर्नाटका में बैंगलोर के मैसूर हाईवे में वो आपका NH 275 है और दूसरा था हरियाणा में नेशनल हाईवे 709 वही आपका पानीपत के आसपास में ये जो प्रोसेस है इसको टेस्ट किया गया है और गवर्नमेंट इसमें कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है क्योंकि जो रिजल्ट आए वो काफ़ी एक मतलब पॉजिटिव रिजल्ट है।
इसके वजह से गवर्नमेंट अपने तरफ से आगे जाके ये स्टेप लिया है और गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगा। इनिशियली जो है ये कुछ पर्टिकुलर नेशनल हाईवे की मतलब जो टोल कलेक्शन होता है यहाँ वहीं ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा और बाद में ये पूरा देश में धीरे 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 बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि आज से 3-4 साल बाद हम लोग देखें, जैसे कि फास्टैग के साथ हुआ था कि इनिशियली ये एक ऑप्शन था, उसके बाद इसको धीरे 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 मैंडेटरी किया गया। हो सकता है कि आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि इसको एकदम मतलब हर गाड़ी में कंपलसरी किया जाए, जिसके वजह से जो टोल में हम लोग को कभी कभार अभी ट्रैफिक देखने को मिलता है वो हम लोग को आगे देखने को नहीं मिलेगा। अमंग अदर इफेक्ट, इसका एक और इफेक्ट है कि ये जब भी आप कोई कार में इंस्टॉल कर रहे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कभी कभार हम लोग देखते हैं कि टोल में जो हम लोग का फास्टैग है वो रीड करने में टाइम लगता है, या फिर कोई भी एक जो वहाँ के एम्प्लॉई है वो लोग आके मैनुअली इसको रीड करने का कोशिश करते हैं, एक डिवाइस लेके आते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके वजह से जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इनिशियल टाइम में जब हम लोग कैश पेमेंट करते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ट्रैफिक तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता था टोल में, और प्रेजेंटली हम लोग देखें कि फास्टैग आने के बाद ये ट्रैफिक घटा है, मगर ऐसा भी नहीं कि हर जगह में बहुत ही स्मूथ चल रहा है, मगर थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं कभी कभार ट्रैफिक जाम दिख जाता है हम लोग को टोल में। और इसके वजह से ये जो प्रॉब्लम है, जब GPS एनेबल हो जाएगा तब कोई भी कार को तो अलग से रुक के रीड नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सब जो GPS से वो कनेक्टेड रहेगा, जिसके वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये हम लोग को आगे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब सुनने के बाद आप बोल ही सकते हो कि भैया इतना जगह में अगर ये टेक्नोलॉजी इंस्टॉल किया जाएगा, इंडिया का जो रोड है ये तो काफ़ी फैला हुआ है, ऑन द अदर साइड ये टेक्नोलॉजी अगर इंस्टॉल होता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट का तो बहुत खर्चा हो जाएगा, तो पैसा कैसे इनकम करेगा, या फिर ये सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद गवर्नमेंट का जो अर्निंग है वो क्या टोल रोड से ज़्यादा बढ़ेगा या फिर घटेगा। अब बोलो पहला 20 किलोमीटर फ्री है, ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट का तो इतना पैसा खर्चा कर रहा है, फिर भी गवर्नमेंट ये सब क्यों कर रहा है सिर्फ हम लोगों के लिए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऑब्वियसली ऐसा बात नहीं है, गवर्नमेंट अपने तरफ से अगर कुछ सोचता है तो ऑब्वियसली उसमें गवर्नमेंट का प्रॉफिट है। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें इंडिया में एनुअली जो टोल रोड्स का जो कलेक्शन आता है वो आपका राउंड अबाउट ₹40 लाख करोड़ के आसपास आता है। ऑन द अदर साइड अगर ये सिस्टम कम्प्लीटली एक्टिव हो गया, पूरा इंडिया में काम करने लगेगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बढ़ के ₹1.4 लाख करोड़ तक बन जाएगा। मगर आप समझ ही सकते हैं कि गवर्नमेंट का भी इसमें फ़ायदा है, और इसीलिए गवर्नमेंट अपने तरफ से ये जो प्रॉब्लम है इसको भी रिजॉल्व करे, ऑन द अदर साइड हम लोगों को एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड कर दे। तो अब आते हैं वो डिवाइस पे जो आपके कार में होगा, जो आपको कार को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। इस डिवाइस का नाम दिया गया है OBD डिवाइस। प्रेजेंटली जो कार अभी बन रहे हैं उस कार में ये OBD डिवाइस बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होगा। मतलब जब भी आप कार खरीदते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आपको फास्टैग का जो मतलब स्टिकर है वो आपको खरीदना पड़ता है, ऑन द अदर साइड बाय डिफ़ॉल्ट ये कार में इंस्टॉल होगा। तो ये तो एक बहुत ही ईजी बात है कि अगर आप कार खरीदते हैं आपके पास OBD डिवाइस इंस्टॉल है, आप आपका जो अकाउंट है उसको कनेक्ट कर दीजिए और उसके बाद आप जितना भी ट्रैवल करेंगे उस हिसाब से आपका ये पैसा जो है वो कटता जाएगा। ऑन द अदर साइड प्रॉब्लम होगा पुराने व्हीकल में, जो व्हीकल एक सर्टेन एज से भी ज़्यादा पुराना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो OBD डिवाइस है क्या इन व्हीकलों में सपोर्ट करेगा। अगर करता है तो बहुत ही अच्छा बात है, अगर नहीं करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो व्हीकल का क्या होगा, वो लोग क्या क्या पुराने फास्टैग जो प्रोसेस है वही यूज़ करेगा। प्रेजेंटली मैं आपको बता दूं, जब ये सिस्टम एक्टिव हो जाएगा फास्टैग को रिमूव नहीं किया जाएगा, जो व्हीकल के पास पुराने फास्टैग है वो लोग अगर चाहे तो वो लोग वही फास्टैग को यूज़ करके अपना व्हीकल ट्रैवल कर सकते हैं। मगर आपको अगर लगे कि भाई मैं एग्जैक्टली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रोड जा रहा हूँ और पूरा मुझे पैसा देना पड़ रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको आपके कार में OBD डिवाइस है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये OBD डिवाइस मिलेगा कहाँ, क्या ये आफ्टर मार्केट मिल जाएगा या फिर गवर्नमेंट के तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा या फिर जो शोरूम से कार के वहाँ से या फिर सर्विस सेंटर से मिलेगा, इस बारे में भी अभी कोई डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किया गया है। या फिर कौन सा वो ईयर है जिससे पहले का जो कार है उनमें ये OBD डिवाइस इंस्टॉल नहीं होगा, ये बात में भी अभी क्लैरिटी नहीं है। तो इन फ्यूचर जाके हम लोग को ये पता चल जाएगा ये OBD डिवाइस हम लोग कहाँ से खरीद सकते हैं, या फिर इनका प्राइस क्या है, या फिर अगर हम लोग इसको कार में लगाने जाए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को कोई परमिशन का ज़रूरत है या नहीं, या फिर जो भी ये OBD डिवाइस रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन अभी है ये गवर्नमेंट ने अभी तक क्लियर नहीं किया। तो हम लोग जिन लोगों के पास ऑलरेडी 1-2 साल पुराना कार है, हम लोग के पास ऑब्वियसली ये OBD डिवाइस कार में नहीं होगा, तो ये OBD डिवाइस अगर हम लोग के पास नहीं होगा तो वो हम लोग को अलग से लगाना पड़ेगा, तो उसका क्या प्राइस होगा, या फिर सारा जो डिटेल्स है इस बारे में जब भी गवर्नमेंट कुछ अपडेट प्रोवाइड करेगा मैं आप लोगों के लिए एक अलग सा सेपरेट वीडियो ला दूंगा और आप उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इनिशियली एक टाइम में लगभग आपका वही 2010-11-12 इस टाइम में कभी भी अगर कोई नया टेक्नोलॉजी इंडिया में आता था तो हर कोई जो ये टेक्नोलॉजी है इसको इम्प्लीमेंटेशन को लेके बहुत सारा क्वेश्चन करता था कि भाई इंडिया में ये टेक्नोलॉजी आ गया मगर ये टेक्नोलॉजी क्या इंडियन लोग यूज़ कर पाएंगे,
प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें, इंडियन लोग जो है या जो कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है इसको बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें जो डिजिटल पेमेंट, क्योंकि इंडिया में ही स्टार्ट हुआ है, तो ये जो डिजिटल पेमेंट है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आज के डेट में अगर आप लोग देखें कोई भी जो रिटेलर है वो हमेशा अपने तरफ से डिजिटल पेमेंट को ही प्रेफर करता है, क्योंकि इससे उससे उन लोगों का जो पैसा है वो सिक्योर रहता है, इजी पेमेंट हो जाता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जो भी पे कर रहा है उन लोगों को भी आसान है कि उन लोगों को कैश कैरी नहीं करना पड़ रहा है, या फिर वीज़ा या फिर मास्टर ऐसा या फिर कोई कार्ड यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, तो ये एक सेफ साइड में एक चीज़ है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये जो टेक्नोलॉजी आ रहा है इंडिया में, हो सकता है कि आज से एक साल या दो साल बाद ये टेक्नोलॉजी काफ़ी कॉमन हो जाए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग जो कार चलाते हैं हम लोगों के पास यही सेम टेक्नोलॉजी हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे और ये हम लोग के लिए एक बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर प्रेजेंट जो इंडिया का कंडीशन है, मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर हम लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि इंडियन लोगों को ये चीज़ समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, जो टाइम लगता है ऑब्वियसली सब कुछ जानने में। जब ये बात पूरा क्लियर हो जाएगा, एक बार समझ जाएगा, तो हर कोई एग्जैक्टली जो ईजी वे है टू ट्रैवल उसी को यूज़ करेगा। अभी तक अगर देखा जाए दिस विल बी द ईजिएस्ट ऑप्शन टू ट्रैवल। इसके अलावा भी ये जो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है इसको लेके बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होगा। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा प्राइवेसी, कि भाई आप जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हो आपका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो गवर्नमेंट ट्रैक करेगा, और हो सकता है कि आगे जाके इसको लेके एक मेजर इशू बने। ऑन द अदर साइड अगर GPS को यूज़ किया जाता है, GPS एक US बेस्ड कंपनी है और वो लोग अगर हम लोग का जो डेटा है वो यूज़ करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये एक मेजर कंसर्न होगा, जिसको लेके मुझे लगता है कि आगे जब ये टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है वो अराइज होगा। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है कि अगर GPS में कोई एरर दिखा है, सोचिए कि जैसे हम लोग को प्रेजेंटली हम लोग देखते हैं कि कभी कभार हम लोग को डिफरेंट जो मैप होते हैं वो लोग एक गलत रास्ता प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ से हम लोग फोर व्हीलर ट्रैवल नहीं कर सकते, टू व्हीलर का रास्ता है मगर वो फोर व्हीलर ट्रैवल नहीं कर सकते और वो रास्ता हम लोग को शो किया जाता है। तो ऐसा जो GPS में एरर होता है, तो आगे जाके अगर ऐसा ही एरर कुछ दिखे, मतलब सोचिए कि आप 50 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 50 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको -20 किलोमीटर मतलब आपको 30 किलोमीटर के लिए चार्ज करना चाहिए। ऑन द अदर साइड अगर वो टेक्नोलॉजी के एरर के वजह से आपको 50 किलोमीटर ही चार्ज कर देते हैं, तो आप वो जो पैसा है आपका पैसा वो कहाँ से रिफंड होगा, या फिर कस्टमर सर्विस रहेगा या नहीं, या फिर आप वो पैसा ये जो प्रॉब्लम है ये कहाँ आप रेस करेंगे आगे जाके, तो ये सारा जो क्वेश्चन है ये आगे जाके रिजॉल्व होगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पॉजिटिव साइड देखने का कोशिश करें तो इसका बहुत सारा पॉजिटिव साइड है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें जो हम लोगों का जो ट्रैफिक है टोल में वो घट जाएगा। ऑन द अदर साइड जो पॉल्यूशन है, कैसे टोल में बहुत सारा कार व्हीकल खड़ा रहता है जिसके वजह से जो पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ जाता है, वो आपका घट जाएगा। इसके अलावा भी अगर देखें जो टाइम है वो सेव होगा, जो एवरेज स्पीड जो है व्हीकल का वो आपका बढ़ जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा कुछ है जो हम लोग इसमें पॉजिटिव भी देख पाएंगे, मगर जब भी ये टेक्नोलॉजी ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद कैसे ये काम करता है या फिर क्या इसका प्रोसेस है, हम लोग जब यूज़ करेंगे तभी हम लोग एग्जैक्ट बता पाएंगे कि ये जो प्रोसेस है इसमें कुछ ग्लिच है या नहीं। इनिशियली हो सकता है कि हर प्रोसेस में थोड़ा सा ग्लिच रहता है, उस पर वर्कआउट किया जाता है और वो रिजॉल्व हो जाता है। मुझे भी लगता है कि ये जो प्रोसेस है ये गवर्नमेंट ने बहुत पहले से ये इसमें वर्कआउट कर रहा था। अगर हम इलेक्शन से पहले भी देखें, जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उससे पहले से गवर्नमेंट ने इस पे काम कर रहा था और गवर्नमेंट बहुत टाइम लेके इसको रेडी किया है, तो ऑब्वियसली इसमें ग्लिच का जो चांसेस है ये बहुत ही कम होगा। जब ये टेक्नोलॉजी ऑल ओवर इंडिया में फैल जाएगा तभी हम लोग एग्जैक्ट डिसाइड कर पाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी हम लोग के लिए कितना आगे जाके प्रॉफिट लाता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर दूसरा भी अगर कुछ आपको जानना है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बोलूँगा कि मेरा चैनल में बहुत सारा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है डिफरेंट टॉपिक्स में। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है आपको क्या देखना पसंद है उन तक पहुँचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। इसके अलावा भी जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करने में आपका कुछ नहीं जाता। ऑन द अदर साइड जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपके पास इंस्टेंट नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वो वीडियो देख पाएंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।